हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स तरह में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से, जहाँ पे आप देख सकते हैं टीचिंग पोजिशन की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स तरह, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है, चाहे आपका गेस्ट फैकल्टी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, या आपके बीएससी, एमएससी या पीएचडी रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, उनके वीडियोस को रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सीएसआई जीआरएफ, आईसीएमआर जीआरएफ, डीबीटी जीआरएफ, या पीएचडी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है मेरे चैनल पर बायोलॉजी कंटेंट को भी देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे जो है बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लें नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो गया 22 अक्टूबर 2021 से, और यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको पे ग्रेड भी मेंशन कर रखा है। एकेडमिक लेवल 14 प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 13 है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पे एकेडमिक लेवल 10 का जो है यहाँ पे ग्रेड दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट की, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एनिमल साइंस, केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सब में जो है पोस्ट को निकाला गया है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप अगर एलिजिबल हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे आपको साइंस स्ट्रीम हो या नॉन साइंस स्ट्रीम हो, सबके लिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी में आप हैं, तो आप उस कैटेगरी के वाइज भी आप यहाँ पे जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कैटेगरी मेंशन कर रखा कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, तो आप कैटेगरी में भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप एज ए जनरल कैटेगरी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है आपको प्रोफेसर की 19 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर 33 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 17 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे जो गाइडलाइंस फॉलो होंगे एलिजिबिलिटी, वो एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 के लिए जो भी फॉलो होती है वो फॉलो होंगी। तो यहाँ पे जो है आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आप अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें लास्ट डेट की रिसिप्ट एप्लीकेशन की, तो वो है 11 नवंबर लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आपको जो है लास्ट डेट मेंशन कर रखी है 11 नवंबर 2021। अब बात करें अगर यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो 500 रुपीज़ फी है फॉर अनरिजर्व एंड ₹400 फॉर ओबीसी कैटेगरी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट्स अगर हमें हैं, तो आपको यहाँ पे कोई फी पे नहीं करना है। ठीक है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है एसोसिएट प्रोफेसर सेंटर फॉर दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ के लिए आप इन्होंने मैंशन करा था, तो एनेक्सस जो है ओपन करके देख सकते हैं क्या कैसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मैंशन कर रखी, तो आप जो है इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ें अप्लाई करने से पहले। एक चीज़ और यहाँ मेजर कर रखी है कि आपको यहाँ पे सिर्फ जो है सॉफ्ट मीन्स आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको कोई भी हार्ड कॉपी जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की सेंड नहीं करना है। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी। तो ऐसे ही हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। तो ये सारी जो है आपको यहाँ पे परमानेंट पोस्ट यहाँ पे है देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए अगर आप जो है इन्होंने जो नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर रखा है, कैटेगरी मेंशन कर रखी है, और यहाँ पे आपको पे ग्रेड मेंशन कर रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो इन्होंने एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखी है, तो आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसकी एलिजिबिलिटी को जरूर एक बार पढ़ लें। ये इन्होंने पूरा यूजीसी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है 2018 के अकॉर्डिंग, तो वो सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो ये भी आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जो है एमएससी विद नेट अगर आपके पास है, एमएससी नेट आपके पास है, तो आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो है आपका 2023 तक जो है वैलिड है। तो आप ये देख सकते हैं यूजीसी न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है आपको एमएससी और नेट अगर आपने क्वालिफाई किया, चाहे आपका वो सीएसआई नेट हो, चाहे वो आपका आईसीएआर सेट हो, तो आप आईसीएआर नेट हो, तब भी आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तो है आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये सारा इन्होंने यहाँ पे कुछ दे रखी है सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी भी इन्होंने मैंशन कर रखा है, तो ये भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते कि आपका जो सिलेक्शन हो किस बेस पे होगा, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन वो आई थिंक मे बी एपीआई इंडेक्स के बेस पे होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पे एपीआई इंडेक्स की बेस पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का बता देता हूँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपका जो एपीआई इंडेक्स की बेस पे जो आपको सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें आपका जो है लाइक यूजी के मार्क्स, उसका पीजी के मार्क्स, फिर आपका सीएसआईआर जेआरएफ है तो उसका सेपरेट मार्क्स, अगर नेट है तो उसका सेपरेट मार्क्स। तो इस बेस पे जो है आपका यहाँ पे जो है एपीआई इंडेक्स बनाया जाएगा। उस एपीआई इंडेक्स के बाद एक कट ऑफ जारी की जाएगी, उस कट ऑफ के बेस पे अगर आपका एपीआई इंडेक्स फॉल होता है तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको। तो वो एपीआई इंडेक्स जो है वो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ मेंशन कर रखा है, असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर एंड मेथडोलॉजी फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वालिटी टीचर्स। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वाला इंडेक्स दिखा देता हूँ। तो ये मेंशन कर रखा है क्राइटेरिया फॉर सेट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये एपीआई इंडेक्स है, तो इस बेस पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन लाइक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में जैसे 80% अबव 15, पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% अबव 25, एमफिल में 60% एंड अबव तो 7 मार्क्स, पीएचडी अगर पास है तो 30 मार्क्स, नेट विद जेआरएफ है तो 7 मार्क्स, ओनली नेट है तो 5 मार्क्स, स्लेट या सेट 3 मार्क्स, ऐसे रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपके पास है 2 मार्क्स पर ईच रिसर्च पब्लिकेशन है तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 रिसर्च पब्लिकेशन यूज़ करके 10 मार्क्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपको टीचिंग या पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस है 2 मार्क्स पर ईयर होगा तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 10 मार्क्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई अवार्ड मिला हो चाहे इंटरनेशनल नेशनल लेवल का तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स दिया जाएगा। तो इसके अलावा ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी, तो टोटल यहाँ पे आपका एकेडमिक स्कोर जो वो 80 रहेगा, रिसर्च पब्लिकेशन आपके 10 मार्क्स का रहेगा और टीचिंग एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का, तो टोटल जो कट आपकी मेरिट बनाई जाएगी वो 10 आउट ऑफ 100 मार्क्स बनाई जाएगी। तो 100 में से एक कट ऑफ जारी की जाएगा, उस कट ऑफ में आपका एपीआई इंडेक्स में आप फॉल करते हैं तो आप जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो और इसी तरह के कॉलेजेस में भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप कॉलेजेस में भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलेजेस का भी यहाँ पे जो क्राइटेरिया है आपका शॉर्टलिस्ट करने का वो भी यहाँ पे इन्होंने एपीआई इंडेक्स की बेस पे कर रखा है, ठीक है। तो अगर आपको लाइक इसके लिए इंटरेस्टेड है और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करिए, दी जाए परमानेंट पोस्ट। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ में बता दूं कि आपको यहाँ पे कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, ठीक है। तो सिर्फ आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है और उसके बाद जो है आपको अपना लाइक ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, यहाँ पे कोई भी आपको जो है हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसे सेव कर रखिएगा या आप उसको जो है अच्छे से लाइक प्रिंट उसका कॉपी निकाल के जो है आप उसे एज एन हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी भी रख लीजिएगा ताकि वो फ्यूचर में भी आपको यूज़ हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।